ओके सर, सबसे पहले गाने के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहिए, किस तरीके का गाना है? और हमने जैसे कि हमने देखा, हमें तो काफ़ी इमोशनल लगा। हाँ, ये बेसिकली मांगू का में गाना है, बहुत ही टच है। एक करोड़पति लड़का किस तरह से अपने माँ के लिए भीख मांगने के आता है, और मांगू का सा गाना है जो बहुत ही, मतलब उसके अजय ने गाया हुआ है, बहुत ही, मतलब इसमें मैं आपको बताऊं कि उसके शब्द जो गुरु ठाकुर ने लिखे हैं वो फिल्म से इतने कनेक्ट है, और उसका स्ट्रगल है बेसिकली, और बहुत ही प्यारा है। विशाल मिश्रा ने म्यूज़िक दिया हुआ, तो आप जब गाना देखोगे तो आपको समझ आया नहीं आया, लेकिन आपके दिल तक छू के निकल जाएगा। ओके, जैसे कि स्वप्निल को हमेशा रोमांटिक रोल में देखा है, रोमांटिक किरदार में देखा है, इस बार आपने एक अलग तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो कितना मुश्किल था होगा? हाँ, मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि मुझे जब मैं पहले स्वप्निल को मिला था तो एकदम चिकना और एकदम, मैं बोला कि तो भिखारी फिल्म करेगा, तो बोला भिखारी फिल्म में कैसे हो सकता है। फिर मैंने जब कहानी सुनाई और फिर हम लोगों ने गेटअप पे वर्क किया, उसकी दाढ़ी, उसका लुक, उसका गेटअप, तो बहुत बहुत ही कमाल का काम किया स्वप्निल ने। और आप डेफिनेटली ये बात सही है कि उसने बहुत डिफरेंट रोल किया है, डिफरेंट काम किया, वो रुलाएगा आपको इतना पक्का। ओके, आप जैसे कि सेकंड सॉन्ग आ गया, इसके बाद में और क्या आने वाला है? अभी इसके बाद हमारा एक गाना आएगा, डुएट गाना है, रोमांटिक गाना है जो स्वप्निल और ऋचा का है, वो भी बहुत प्यारा गाना है, वो भी हम लोग लंदन में शूट किया हुआ। तो उसके बाद फिर और एक गाना है जो भिखारियों का बीच का गाना है, मस्ती वाला गाना है, इट इंटरेस्टिंग। ओके, आपके लिए कितना इमोशनल था ये सॉन्ग? जैसे कि देखा फिल्म के गाने के अंदर काफ़ी इमोशंस दिखाए गए। हाँ, और यहाँ पे देखा सब बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, सबकी माँ आई हुई थी। हाँ, मम्मी आई है, बहुत बहुत, क्योंकि माँ जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। वो जैसे इस पर टैगलाइन है, स्वामी तीनी जगह सा आई बिना भिखारी, जैसे कि ज़मीन हो, पानी हो, या आसमान हो, किधर भी हो, माँ के बिना बड़ा सा बड़ा राजा भिखारी है। तो माँ के संबंधित पूरी फिल्म है, माँ बेटी की कहानी है, इसे वैसे इसका टाइटल भिखारी। ओके, कब आने वाला है ट्रेलर इसका? इसका ट्रेलर आएगा 10 तारीख को, ये 10 को फिल्म हमारी 4 अगस्त को रिलीज हो रही पिक्चर। और क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ जाके जाऊन पिक्चर बगा देखिए पिक्चर, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिल से फिल्म बनाई है, और ये नहीं सोचा कि ये मराठी या हिंदी, एक फिल्म को जो जस्टिस होता है वो किया हमने सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।